तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए, मेहरबानी और अपना ख्याल का इजहार करें। मोहतरमा जनाब सुजाता ने। Good afternoon, Assalamu alaikum. Good afternoon, children. बच्चों की आवाज नहीं सुनाई दे रही। Good afternoon. जोर से बोलो please. Good afternoon. Yes, शाबाश. Thank you so much. अच्छा मेरा नाम क्या है? Sir, उसकी नजर। बोलो बोलो बोलो. What's my name? हाँ शाबाश. ये किसने बोला? Yes. मेरा नाम सुजाता साहू है। सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू से थैंक यू। मैं थोड़ा आगे आ रही हूँ, इट्स ओके सर, सही? मैं बच्चों को देखना चाहती हूँ। आज के चीफ गेस्ट तो कौन है? हमारे बच्चे हैं, मैं नहीं हूँ। मेरे लिए चीफ गेस्ट तो ये बच्चे बैठे हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक्चुअली मेरी अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा मेरी कहानी आप लोग सुन ले, आप लोग थोड़ा सा इंस्पायर हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि स्कूल में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 2010 में मैं पहली बार लद्दाख आई थी। पहली बार मैंने कभी लद्दाख कभी गई नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं लेह में बहुत दूर में अकेली ट्रैकिंग कर रही थी। बच्चों आपको पता है ट्रैकिंग क्या है? किसको पता है? आप लोग जो पहाड़ क्लाइंब करते हो ना, रोज रोज पहाड़ पे घूमते हो ना, हम उसको ट्रैकिंग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पहाड़ नहीं चढ़ते। तो मैं ट्रैकिंग करने आई थी और फिर मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। मैं वहां पे एक बहुत दूर के गांव में गई थी, वहां पे बस 3-4 घर थे और मैं बहुत हैरान हो गई कि यहाँ पे हिंदुस्तान में इतनी दूर की जगह में ऐसे कैसे गांव हैं, इतने छोटे से रिमोट गांव, और ऐसा कैसा है कि मुझे कुछ पता भी नहीं इसके बारे में। मैं तब दिल्ली में रहती थी। मैं बहुत हैरान हो गई। वहां पे मैंने एक स्कूल देखा, 7 बच्चे और 2 टीचर। कभी मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। मेरे बच्चों के स्कूल में तो एक एक क्लास में 30-40 बच्चे हैं, और यहाँ लद्दाख के दूर दूर गांव में 3-4 बच्चे हैं एक क्लास में, कभी क्लास में एक बच्चा, ये वो भी नहीं। तो वहां से मैं जब ट्रैकिंग करके वापस आई, मुझे तब लगा कि इतनी दूर के बच्चों के वहां पे बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, इलेक्ट्रिक मतलब मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं, और मेरे स्कूल में, मेरे बच्चों के स्कूल में ये सब था। तो मैं ये सोच रही थी, ये बच्चों के लिए क्यों नहीं है? ऐसी कौन सी दुनिया है जो एक बच्चे को दूसरे बच्चे को इसे अलग कर दे? ऐसी कौन सी दुनिया है कि एक बच्चे को वो चीज ना दे जो दूसरे बच्चों को नसीब है? वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तब एक टीचर थी, मैं बहुत अच्छे से स्कूल में, बहुत कुछ है स्कूल में, हर क्लास में कंप्यूटर है, स्मार्ट क्लास है, ये है वो है। तो तब मैं वापस आई 2010 के नवंबर में, वापस आई मैं 2010 में। लेह में फ्लड्स हुए थे, याद है आपको? तो तब मैं आई, मैंने कहा फ्लड्स में थोड़ा सा मैं अपने ही क्लास के लोगों को, अपने ही क्लास के बच्चों को मैं लद्दाख लेके आई पहली बार। सब डर गए थे, आप लद्दाख ले जा रहे हो इतना सारा। हमने कहा नहीं, वहां पे स्कूलों की मदद करनी है। तो पहली मैं दोबारा मैं वापस बच्चों को लेके आई। हमने कहा देखते हैं स्कूलों में क्या मदद करनी चाहिए। तब से मेरे दिमाग में ये है कि क्यों ना मैं इतने दूर दूर के स्कूलों को थोड़ी सी मदद करूं। सबकी अपनी अपनी कोई जर्नी होती है ना। मैं बहुत सालों से काम करती आई हूँ। मैं US में 9 साल रही हूँ। मैं फिर 15 साल कंप्यूटर्स में बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है। लेकिन मुझे लग रहा था कि एक जगह है जहाँ पे मैं अपना मकसद, खुद का मकसद फुलफिल कर सकूँ। मुझे लग रहा था कि एक जगह है जहाँ पे मैं कुछ यूजफुल कर सकती हूँ। तब हमने कहा कि मैं लद्दाख के स्कूलों में थोड़ी सी बदलाव लेके आ जाऊं। तब मुझे एक चीज दिखा, उस स्कूल में जहां पे 5 बच्चे 7 बच्चे हैं, वहां के उसी गांव में और भी बच्चे थे, लेकिन वो बच्चे कहाँ जा रहे थे? वो प्राइवेट स्कूल में दूर दूर जा रहे थे, हालांकि छोटे से बच्चे भी, 3-4 साल 5 साल। मैंने कभी अपने बच्चे को इतना दूर नहीं भेजा 3 साल की उम्र में। तो मुझे तब बहुत बुरा लगा, ये बच्चे क्यों जा रहे थे इतनी दूर? क्योंकि जैसे आपके VC मेंबर ने बोला था, SNC मेंबर ने बोला था कि वो फेक नहीं था, उनको लग रहा था कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं है। तब से मैंने तय कर दिया, मैंने अपना काम छोड़ दिया। तब हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को कहाँ रहना चाहिए? अपने घर में, माँ बाप के पास, अपना कल्चर, अपना सोसाइटी में। बड़े हो के बाहर दूर चले जाए वो अलग बात है, लेकिन पहले ऐसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप के सब साथ रहना चाहिए।
तब मैंने जाके मेरे फैमिली से भी बात किया, मेरे हस्बैंड से भी बात किया, हमने अब लद्दाख में काम करेंगे। सबसे पहले पता है मेरे हस्बैंड ने और मेरे फैमिली मेंबर्स ने क्या बोला है, तुम पागल हो गए हो, लद्दाख में दूर जाके काम करोगे? मैं रहती थी गुड़गांव में। हमने कहा अगर इतने सारे लोग इतने सारे दूर के गांव में रह सकते हैं, इतनी ठंड में, जहाँ पे रोड नहीं है, कुछ बिजली नहीं है, हम क्यों नहीं जा सकते? कोई नहीं था हमारे साथ तक। मैंने फिर पूछ पूछ के मेरे हस्बैंड को भी कन्विंस कर दिया। फिर हमारे एक दोस्त भी हैं दावा जोरा, वो लद्दाखी हैं, लेक हैं, उनको भी कन्विंस कर दिया हमें कुछ करना ही है। चलो फिर हम सब ने बोला अगर पागलपंथी करनी है तो अच्छी तरह से पागलपंथी कर लेते हैं। तो तीनों बन गए पागल। हमने एक वक्त बना दिया 17,000 फीट फाउंडेशन। तब कोई नहीं था हमारे साथ में, हमें पैसे देने के लिए भी लोग नहीं थे, हमने खुद का पैसा लगाया। ये 2012 तो पहली बार हमने ऑफिस सेटअप किया, 2010 से। मैं अब जुनून ही समझिए मेरा, जुनून की जरूरत है, कुछ कर दिखाना है तो जुनून की जरूरत है। 2012 में फिर हमने ऑफिस सेटअप किया छोटा सा कहीं पे ले में। तब कारगिल की भी सोच पहले से ही था हमारे दिमाग में, लेकिन पता नहीं था कारगिल के बारे में ज्यादा। टूरिज्म ले में ज्यादा होती है, ले में घूम चुके हैं हम। तीन लोगों ने शुरू किया, कुछ वॉलंटियर्स आ गए। हमने ले का कोना कोना छप्पा मारा, हर एक स्कूल हर एक गांव में गए। मेरे खुद के बच्चे गए हुए हैं, 12वीं के बच्चों को मैंने भेजा, मैंने फोटो लिया, कैमरा दिया, फोन लिया, सब कुछ दिया। मैंने कहा जाओ ढूंढो गाँव, गाँव किधर है, स्कूल किधर है, स्कूल में कितने बच्चे हैं। 370 गांव घूमे हम 2012 में। फिर हमने देखा हाँ एक्चुअली इतने सारे स्कूल हैं, टीचर्स हैं, बच्चे आ रहे हैं स्कूल, लेकिन स्कूल में मदद की जरूरत है। तब से हमने काम शुरू किया 2015 में। बहुत सोच के हमने कहा कारगिल में भी जाना है। 2015 में हमने शुरू किया। अब एक बार हम शुरू कर गए, अब रुकने का नाम नहीं ले सकते, पीछे नहीं देखा हमने। 2012 से लेकर 14 तक कठिनाई हम बहुत मिली, पैसे नहीं थे हमारे पास, टीम नहीं थी, हमने खुद की गाड़ी दे दी। मैं और मेरे हस्बैंड ज्यादातर यही रहते हैं, मैं एक महीने के लिए आती हूँ चली जाती हूँ, फिर वो एक महीने के लिए आते रहते हैं। लेकिन आज अभी जो हमारी अभी दो तीन टीम है, अभी तो एक जाकिर हुसैन है वहां पे। जाकिर हाय बोलो, मैनेजर। यस हाय, यू से हाय टू जाकिर, से हाय जाकिर, कम ऑन, से हाय जाकिर, यस। शुरुआत हम दो तीन लोगों ने शुरुआत किया, लेकिन एक चीज हमारे पास हमेशा था कि हम कर सकते हैं। एक से दो, दो से तीन, तीन से अभी देखिए हमारे चार ऑफिस हो गए और अभी एक्चुअली सर 220 नहीं तो ऑलमोस्ट 280 स्कूल हो गए। मेरी गिनती भी अभी कहीं तो रह गई है। 280 स्कूल ले कारगिल संस्कार, सबसे दूर 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 के गाँव। हमारा फोकस उतना ही है कि बच्चे अपने घर पे रहे, गवर्नमेंट स्कूल में जाओ। आपके टीचर्स काबिल हैं, बहुत काबिल टीचर्स हैं। हाँ पहले पहले जैसा नहीं है ये, अभी काफी बदल गया गवर्नमेंट स्कूलों में। जैसे मुस्तफा कमाल सर जैसे मेरे पीछा, तो वाह ये तो 17,000 फीट ऑफिस में सर 2015 से आप हमारा पीछा कर रहे हैं ना, मैम मदद कीजिए। ऐसे टीचर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं और ऐसे SMC मेंबर्स हैं जो करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं होगा अच्छा। और मैं गर्व के साथ बोल सकती हूँ हमने जितने 150 डिजी लैब सेटअप किए हैं, 230 लाइब्रेरी सेटअप किए हैं। एक चीज मैं बहुत बढ़िया बोल सकती हूँ, हमारे स्कूल में एनरोलमेंट 3 गुना हो गया। हमारे स्कूलों में लर्निंग बहुत बढ़िया हुआ है, हमारे स्कूल में बच्चे अंग्रेजी बहुत ब्यूटीफुली बोल रहे हैं। और सबसे खास बात, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, हमारे स्कूलों में जो है टीचर्स HMs और गाँव वाले SMC मेंबर्स का उनका जो जोड़ रहे, तो उनका जो मिलन है, उनका जो मीटिंग है, उनके आइडियाज बहुत मिलते हैं, तो साथ में काम करते हैं। तो ये जो कोलैबोरेशन से होता है, सक्सेस उसी से हुआ है, सिर्फ 17,000 फीट से नहीं। हमारी टीम जाकिर और उनकी टीम, ले में एक टीम है, गुड़गांव में एक टीम है, सब मिलके काम करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वर्क जो है आप लोग करते हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है यहाँ देखने की। और कमाल सर ने कहा जब हम करेंगे आप प्लीज आई, आई कुड नॉट से नो। मुझे एक बंदा चाहिए एक स्कूल में, एक बंदा जो है वो चिराग लेके आगे जा सकता है, बाकी लोग आएंगे उनके पीछे। लेकिन 17,000 फीट जो है हम चाहते हैं कि आप ये बना, इसका जो आग जो है, जो चिंगारी जो है लेके जाइएगा। प्लीज छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं है, इसको दिखाना है। क्यों, वाई ओनली मिडिल स्कूल कारित? अभी 17,000 फीट का जिक्र बाहर बहुत हो रहा है, इतना हो रहा है कि सिक्किम में भी लोग, सिक्किम के गवर्नमेंट हमारे हम आके बोले कि आपने जो लद्दाख में कमाल कर दिखाया है,
प्लीज आप जो है सिक्किम में कर दिखाए, सिक्किम में भी ऐसे दूर दूर के गाँव हैं। तो इस साल हमारा सिक्किम में भी काम शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह वहां भी ऐसे ही लोग हैं, छोटे से गाँव हैं, तो इंशाल्लाह आपने जो मिसाल कर दिखाया वहां पे भी हम, आप मानेंगे नहीं, यहाँ के VEC SMC मेंबर्स और टीचर्स का जो एफर्ट है, उनके वीडियोस हम सिक्किम वालों को दिखाते हैं, वो कहते हैं बाप रे लद्दाख में इतनी ठंड में इतना अगर लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो ये एक मूवमेंट हो गया है। सो आई जस्ट वांट टू से दिस, मैंने क्या सोचा था 2010 में, और यहाँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि 300 स्कूल हो जाएंगे, शायद सर 50 स्कूल और हो जाएंगे इस साल, मैंने कभी सोचा नहीं था, बट आई एम वेरी हैप्पी। और मैं चाहती हूँ कि अगले साल जब मैं आऊंगी, आपका प्लेग्राउंड लगने वाला है, मैं चाहती हूँ कि भी पानी का भी हो गया अभी, सर ने तो हाँ बोल दिया, मैं चाहती हूँ थोड़ा ग्रीन कर दीजिए इसको, पौधे लगा दीजिए, फूल लगा दीजिए, थोड़े से हमारा प्लेग्राउंड आ जाएगा बच्चों के खेलने के लिए, अंदर कलरफुल फर्नीचर हो जाएगा, थोड़ा पेंट कर दीजिए, वहां से दिखना चाहिए ये स्कूल, ठीक है ना, वहां से दिखना चाहिए, सिर्फ धर्म सा दिखता है, ये भी दिखना चाहिए। तो वही मैं चाहती हूँ अगली बार जब मैं जाऊंगी आप लोगों से बात करूंगी, और 17,000 फीट आपके साथ है। आई वांट टू जस्ट से थैंक यू SBI फाउंडेशन, जिसकी वजह से हम ये कर पाए हैं, थैंक यू ऑल। मैं आपको फिर मिलूंगी अप्रैल मई में, जब हम आपका प्लेग्राउंड लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।